नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं साक्षी जोशी, खबर दिल्ली से। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लाख कहें कि जनता उनके साथ है और दिल्ली में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, पर जनता उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। आज जनता को ना सस्ती बिजली मिल रही है, ना पानी, ना ही दिल्ली में कोई विकास हो रहा है। आज हमारे पत्रकार ने केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र सेंटर दिल्ली के लोगों से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है दिल्ली की जनता का। मोस्टली तो लाइट का ही है, लाइट से बहुत ही प्रॉब्लम है। बच्चे तो सफोकेशन में बहुत हो ही जाते हैं और बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं लाइट्स में। तो जो लाइट नहीं होगी तो बच्चे कैसे कंसंट्रेट करेंगे अपनी स्टडी पर। जमुना पार में तो पानी के हाफ ही, क्या बिल्ली पानी नहीं आता तो हाफ कैसे होंगे। पानी की प्रॉब्लम है, काम कम है, बातें ज़्यादा है। कुछ नहीं है, मतलब कुछ हमारे कहाँ किया, कुछ भी नहीं किया, बिजली जाता है। पानी लाइट आ रही है, आ रही है। पानी तो है नहीं, टैंकर से आता है पानी। सिर्फ सोहल्ला मचाया कि ये कर दें वो कर दें, करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं कराया जिसने। बिजली और भाग जाती है, आती नहीं है। नहीं जी, उसके साथ कोई भी संतुष्ट नहीं है, जिसके कामों से मैं क्या, कोई भी नहीं है। अगर अपने कहने से कुछ बनता है क्या, होता है क्या? अपने स्वार्थ के लिए, अपने अर्थ के लिए दुनिया कहती है, वो कहती रहेगी है, लेकिन अगली बार नहीं आनी है। इनका कार्यकाल तो सर हमें तो कोई खास लग रहा है, बसें चल नहीं रही हैं, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अगर एकदम 3,000 बसें बढ़ाएंगे तो क्या बड़ी बसें? बसें तो कोई बड़ी नहीं है, दिन में तो 3 से 4-5 बजे तक कोई बसें मिलती नहीं है रास्ते में। ये थी हमारी खास पेशकश, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।